hard work beats talent when talent does not work hard. कितनी सही quotation है ना. Hard work talent को हरा देता है जब talent hard work नहीं करता है. यानी कि अगर आप talented हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप successful बनोगे ही बनोगे. उसका मतलब ये है कि अगर आप talented होने के साथ साथ hard work भी करोगे तभी आपके पास results आएंगे. लेकिन इसमें एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये, hard work when done in the right direction will get you the most amazing results. Let me make you understand this. एक समय था, आप लोगों को पता है, जब हम देहरादून में सड़क पे खड़े होके ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे. क्या हम काम करते थे बहुत जी जान से? बिल्कुल. क्या हम एफर्ट्स डालते थे? 100%. क्या हम हमारी जितनी एनर्जी थी, जितनी क्षमता थी, उससे ज्यादा काम करते थे? 110% करते थे. तो फिर ऐसा क्यों था कि हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे? एक चीज और है, लोग हमें अप्रिशिएट करते थे, हमारे बारे में लोगों को पता चल रहा था, बट स्टिल वी वर नॉट एबल टू मोनिटाइज एंड एक्चुअली गेट रिजल्ट्स गोइंग फॉर अस. And the reason was, we did not have the right knowledge on how we can actually monetize things that we already know. And that is why, ladies and gentlemen, jo bhi knowledge aaj aapko nahi hai, it is literally hurting you really badly. Really badly. Because what you got to understand is, ki aaj ke time pe, agar aapke paas dedicated knowledge nahi hai, jo ki aapko aage le ja sakti hai, to aap kabhi bhi successful nahi banoge. जो भी आज आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, डेटाबेस है, एक्शन जो भी आप लेते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन द कॉलेज एजुकेशन दैट यू हैव, विच सैडली इज रिडंडेंट. आज के टाइम पे उसमें से बहुत कम चीजें हैं जो आपको मार्केट में एक्चुअली इंप्लॉयबल बनाती हैं. अपना खुद का कुछ काम शुरू करना तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ. एक टाइम था जब मैं स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स में जाता रहता था अलग अलग सेशंस करने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, माइंडसेट. But the problem was, I was dependent upon all those people. कि यार अगर वो मेरे को अप्रूवल देंगे, कहीं से अगर कोई नाम पता चल जाएगा किसी को मेरे बारे में, या मैंने कहीं पे जाके अपना रेज्यूमे भेजा, अपनी डिटेल्स भेजी, तो अगर मैं सेलेक्ट हो गया, अपना प्रोफाइल भेजा, तब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी. अगर नहीं तो भाई वेट करते रहो. और ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, कई सारे जो बाकी के सारे कोचेज हैं वो जानते भी होंगे, काफ़ी जगहों पे तो ऐसे लोग भी मिलते थे जो बोलते थे ठीक है हम आपका डन करा देंगे हमारे कॉलेज में, आप हमको इतना परसेंटेज कट दे देना. मैंने बोला यार मतलब अपन काम कर रहे हैं लोगों को कुछ सिखाने के लिए, लोगों की लाइफ में कुछ तरक्की कराने के लिए, और यहाँ पे लोगों को कट देते फिरेंगे तो कैसे काम होगा. द रीजन आई डिड नॉट नो दैट समथिंग कॉल्ड डिजिटल एजुकेशन एग्जिस्ट. एंड व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द डिजिटल एजुकेशन, दैट इज हाउ डू यू डू योर डिजिटल वर्क, हाउ डू यू टेक वट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव, जो भी मेरे को एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज को ऑनलाइन ले जाके मैं कितने नेक्स्ट लेवल तक स्केल कर सकता हूँ. एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्केलिंग, अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, 2 साल कंप्लीट होने में अभी भी 3 महीने बाकी हैं, पूरे 3 महीने बाकी हैं, और ऑलरेडी जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है दैट इज मोर देन ₹4 करोड़, जो उससे पहले मैंने उस सेक्टर में कभी कमाने का सोचा भी नहीं था. आप मान के देखो ना, अगर मेरे को एक सेशन का माना ₹25,000 भी मिलता था, तो भी अगर मैं पूरे महीने में रोज सेशन करता, रोज, विच इज बाय द वे नॉट पॉसिबल, नीदर फिजिकली नॉर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में छुट्टी रहती हैं, तो भी अगर मैं रोज भी सेशंस करता तो भी मैं एक महीने में 7.5 लाख रुपए कमाता. पूरे साल भर में कितना हो गया आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, 2 महीने में 15 लाख, 4 महीने में 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख रुपए, तो भी हम इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते थे इतने कम टाइम फ्रेम में. अगर मेरे को रोज भी स्पीकिंग असाइनमेंट्स मिलते तो भी, आप जितने भी कोचेज और मेंटर्स हैं या जो पब्लिक स्पीकर्स हैं ना, जो आज के समय पे ये काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड दैट इज नॉट अ स्केलेबल मॉडल एट ऑल. बट व्हाई इज इट दैट यू आर नॉट एबल टू स्केल इट डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हैव गॉट सो मच ऑफ एक्सपर्टीज इनसाइड यू, इज बिकॉज यू डोंट हैव द राइट नॉलेज. लेट्स सी द अदर पॉइंटर दैट हैज बीन रिटन ओवर हियर. यू टॉक अबाउट द वेबिनार्स. अगर आप वेबिनार्स की बात करते हैं, वेबिनार्स आर सो वेरी पावरफुल. मेरे एक एक वेबिनार में वी इंश्योर दैट मोर देन 1000 पीपल कम. टू थिंग्स हैपन, वन, आई एम्पावर द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल. इतने सारे लोगों को इतना सारा कॉन्टेंट मिलता है, स्ट्रैटेजीज मिलती हैं आगे बढ़ने के लिए. एंड द सेकेंड थिंग इज वी आर ऑल्सो मोनिटाइजिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर, एंड ऑटोमेटिकली दैट इज ब्रिंगिंग इन सो मेनी रिजल्ट्स फॉर अस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ लाइव्स दैट वी आर चेंजिंग एंड द रेवेन्यू दैट वी आर जनरेटिंग. इतने सारे रिजल्ट्स आते हैं क्यों? क्योंकि मुझे वो नॉलेज मिली थी कि राहुल वेबिनार कर, वेबिनार अगर करना है तो कैसे कर. सिर्फ वेबिनार एक टूल पता चलने से कुछ नहीं होता. वेबिनार में कैसे स्लाइड्स होने चाहिए, कैसे आपको कंटेंट पिच करना है, कैसे लोगों को वेबिनार पे लेकर आना है, कैसे लोगों का एंगेजमेंट वेबिनार के ऊपर बना के रखना है, कैसे स्लाइड्स होनी चाहिए, कैसे लोगों को बाद में पुश करना है सो दैट दे कैन टेक दैट एक्शन, ऑल दोज थिंग्स आई लर्नड. एंड दैट इज द रीजन व्हाई अगेन आई वुड रिपीट द नॉलेज दैट यू डोंट हैव इज हर्टिंग यू रियली बैड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटरनेशनल लॉन्चेस.
अगर आप इंटरनेशनल लॉन्चेस की बात करते हैं, आई डोंट नो कब आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन 2 फरवरी को जो मेरा छोटा भाई है सौरभ भटनागर, उसका इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर लॉन्च होने वाला है बाय द नेम मार्केट प्रेसो, एंड यू विल सी द रिजाउंडिंग रिजल्ट्स दैट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट वन सॉफ्टवेयर. इंडिया में मुझे लगता है शायद 200-250 लोग भी नहीं होंगे जो इस लेवल पे सॉफ्टवेयर लॉन्चेस करते भी होंगे, क्योंकि यू डोंट हैव दैट नॉलेज. अगेन लेट मी रिमाइंड यू, द नॉलेज दैट यू डोंट हैव इज हर्टिंग यू रियली बैडली, रियली बैडली. इंटरनेशनल लॉन्चेस के बारे में तो लोगों को पता भी नहीं होता कि कैसे ऐसा हो सकता है कि आपके खुद के सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे अफिलियट्स प्रमोट करते हैं, एंड देन आप एड्स रन करके रिटारगेटिंग के थ्रू भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं. बहुत सारी चीजें, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंटर, दैट इज मोनेटाइजिंग फेसबुक. आप सारे लोग फेसबुक पे हो 100%, आप लोग यूट्यूब के ऊपर भी हो, लेकिन उसको कैसे मोनेटाइज करना है हमको पता ही नहीं है. हमारे को मोनेटाइजेशन का सिर्फ एक ही चीज पता है, यूट्यूब के ऊपर व्यूज ज्यादा लेकर आ जाओ. व्यूज ज्यादा लेकर आ जाएंगे तो गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे मिल जाएंगे. 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, यही चीजें हमको सिखाई जाती हैं. उसके अलावा उसको कैसे मोनेटाइज करना है नोबडी टेल्स अस, बिकॉज द नॉलेज दैट यू डोंट हैव इज हर्टिंग यू रियली बैड. डिड इट गेट इन टू योर माइंड? आर यू गेटिंग इरिटेटेड, आर यू गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, और आर यू गेटिंग ईगर? इसमें से अगर कोई भी चीज आपके माइंड में हो रही है ना, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में जहां पे जाके आपने अपने लाखों रुपए खर्च करे हैं, वहां से जो जो आपको नॉलेज, जो जो इन्फॉर्मेशन, जो जो डिटेल्स मिली है, वो आपको लाइफ में आगे नहीं लेके जा रही है. दोज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू टेक यू अहेड. आप अभी भी एक रेड ओशन में फंसे हुए हो, रेड ओशन जहां पे कि बहुत सारी मछलियां हैं. बहुत सारे लोग जो बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी, एमबीएससी, आईटी, ये सारे कोर्सेज करके आते हैं, लेकिन नौकरियां लिमिटेड हैं. बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पता ही नहीं है बॉस कि करना क्या है. एंड ऑन द अदर हैंड, द थिंग्स दैट वी टीच यू थ्रू आर कोचिंग प्रोग्राम्स, थ्रू आर मेंटोरिंग प्रोग्राम्स, थ्रू आर इवेंट्स, वी टीच यू थिंग्स दैट आर नॉट इवन नोन टू 0.1% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. आई मीन, आई एम नॉट बोस्टिंग ओवर हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम हियर टू टेल यू that despite the fact that right now we don't even have 1 lakh subscribers on YouTube by the time of recording this video, we make much more money than the people who have got more than 5 million subscribers, or we are empowering more lives compared to them. Why? Because we are reaching out directly to them. All these things, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, these are mediums to reach out to the right audience, and we do that. And the reason why we are able to get all those things done for us is because we have the right knowledge and the right resources. Understand, success is when the right opportunity meets the preparation. Right now, you don't have that opportunity and you lack the preparation. And therefore, success is not going to happen. Ladies and gentlemen, now that you have watched this video till this particular point of time, you have understood that there are so many new things that you got to learn in your life. What we are doing is, in the description of this video or in my bio, if you are watching this video on Instagram, there's that link of the event that we are doing in Goa, EBW2. Agar aap genuinely chahte ho, I'm not telling you कि आप अभी एक्शन लो, बस एक छोटा सा काम करो, क्लिक करो, उस पेज पे आप जाओ, वहाँ पे पूरे वेबिनार का आपको रीप्ले मिलेगा, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हमारे गोवा वाले इवेंट में मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ, और कैसे वो सारी चीज़ें आप अपने ग्रोथ के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो, और क्यों आपको इस इवेंट में 100% आना चाहिए. इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ एन एक्शन टेकर, हु इज़ अ हसलर, हु वॉन्ट्स टू गेट रिजल्ट इन हिज और हर लाइफ, गो चेक आउट दैट वीडियो राइट नाउ. टेक आउट 40 मिनट्स, यस 40 मिनट्स, सो दैट आपको पूरे डिटेल में पता चले कि हम क्या क्या चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं उस इवेंट में. एंड देन बुक योर टिकट्स एंड बी अ पार्ट ऑफ द बिगेस्ट एक्स्ट्रावेगांजा, द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट ऑफ इंडिया. बिकॉज लेट मी से दैट वन मोर टाइम, द फाइनल टाइम इन दिस वीडियो, द नॉलेज दैट यू डोंट हैव इज हर्टिंग यू रियली बैड. यू नीड टू गेट दैट नॉलेज. और उससे पता है क्या होगा, जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उन सबसे आगे आ जाओगे, बिकॉज उनके पास अभी भी वो नॉलेज नहीं है, और मैक्सिमम लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं. I'm going to ensure that we have a jam-packed stadium, auditorium nikalta hai bar-bar, is bar stadium hai at that event. It is your duty to be there so that you can get that knowledge that can get you ahead of everybody else. Go check out that video, watch that video, become a part of that event. My team members' contact numbers are given over there. Go call them right now, get the complete information and take that action for your transformation. This event has got amazing results for people who became a part of the previous edition, for people who became a part of our Sales and Leadership Masterclass event, and this one is going to be no different, because we give you strategies. And our events on all 3 days is going to start from 10 a.m. and going to continue till 10 p.m. Massive value coming up. Plus, event ke baad hum aapko 10 live trainings bhi dete hain, so that hum aapko after event support bhi de. Bahut kuch hai. Go check it out so that you can become a part of it. I'm really excited, and I'm really excited to see you there at the mega event in May 2020 at Goa. Lots of love.